हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल DRX मेडी हेल्थ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इट्रोस्टेट सोप के बारे में, और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है जिनको खाज, खुजली, दाद जैसी समस्याएं बनी रहती हैं तथा ठीक हो जाती हैं और फिर दोबारा जल्दी से हो जाते हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखें बिना स्किप किए, जिससे कोई भी जानकारी मिस ना हो। दोस्तों, साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इट्रोस्टेट सोप के बारे में। ये कोई नॉर्मल सोप नहीं है, ये एक मेडिकेटेड सोप है जो फंगल संक्रमण में इस्तेमाल के लिए यूज किया जाता है। और इसके अगर हम कंटेंट्स की बात करें तो इसमें इट्राकोनाजोल 1% ड्रग प्रेजेंट है, और ये लीफोर्ड कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है तथा इसकी MRP 125 रुपये है 75 ग्राम पैक। देन इसके यूजेस की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इट्रोस्टेट सोप का इस्तेमाल फंगल इन्फेक्शन के संक्रमण को रोकने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। इसका इस्तेमाल जैसे कि अगर आपके रिंग बॉम, दाद, खाज, खुजली हो गई है, वहाँ इस सोप का यूज किया जा सकता है। तथा एथलीट फुट, जिसे जो पैरों की उंगलियों के बीच में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, उंगलियाँ तथा पैरों के नाखूनों में अगर फंगल संक्रमण हो गया है, उसको रोकने के लिए ट्रीटमेंट में किया जाता है। तथा नेपी रेसेस हैं, जैसे बच्चों के, छोटे बच्चों के जो डायपर्स वगैरह ये पहनते हैं, तो कि रगड़ के कारण जो रेसेस पड़ जाते हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए भी इस साबुन का इस्तेमाल किया जाता है। फंगल स्वीट रेसेस, जैसे कि जो स्किन पर छोटे छोटे दाने आ जाते हैं रेड रेड कलर के, उनके इलाज के लिए इस भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट्रोस्टेट यानी कि इट्राकोनाजोल सोप के मोड ऑफ एक्शन की ये कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों, जो इट्रोस्टेट सोप है, मुख्य रूप से फंगस की वृद्धि को रोकने का काम करता है। यह फंगस की जो कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होती हैं, उनको डैमेज कर देता है, जिससे फंगल का जो विकास होता है वो रुक जाता है और फंगल इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी कीटो मेडिकेटेड सोप पर बना रखी है। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। इट्रोस्टेट सोप को लगाने का सही तरीका क्या है? तो दोस्तों, इसको आप दिन में 1 से 2 बार तक लगा सकते हैं। अगर आप जो इसको गर्मियों में यूज़ कर रहे हैं, तो गर्मियों में क्या होता है कि पसीने का ज़्यादा रहता है और उसके कारण जो इन्फेक्शन होता है, ये जो फंगल होता है, वो ज़्यादा होता है। तो वहाँ आप दिन में इसको 2 बार भी यूज कर सकते हैं। और आपको ये थोड़ा ध्यान रखना होगा कि जब ये आप सोप लगा रहे हैं तो आँखों को बचा के इस सोप को लगाएं। उसके अलावा अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें, तो दोस्तों, अगर इस सोप को लगाने के बाद आपको जो इचिंग वगैरह कम नहीं होती है, और जो जलन टाइप की या त्वचा पे कुछ चकत्ते से और ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, तो आप इस साबुन को इस्तेमाल करना बंद कर दें और फिर अपने डॉक्टर से एक बार परामर्श लें, उसके बाद ही किसी मेडिकेटेड सोप का यूज़ करें। उम्मीद करता हूँ आपको इट्रोस्टेट सोप के बारे में मैंने कंप्लीट जानकारी दी हो। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।